नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि मतगणना होना भी बाकी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बनाए हुए है। वहीं भोपाल जिले में आबकारी विभाग की टीम भी लगातार सक्रिय है। सहायक आयुक्त आबकारी दीपम रायचूरा ने बताया कि व्हाट्सएप नंबर से कुछ शिकायतें मिल रही थी, और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले से ही आबकारी विभाग के द्वारा भोपाल जिले में जो भी शिकायत मिल रही है उसे पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हम ऐसी मदिरा दुकान जो समय पूर्व खुलती है और समय के बाद बंद होती है, ऐसी 9 दुकानों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही साथ 12 कंपोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस एक एक दिन के लिए निलंबित किया। विभाग द्वारा निरंतर ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाकर कार्रवाई की जाती है। जो भी कार्रवाई हुई है वह आबकारी अधिनियम में हम लोग विभागीय प्रकरण बनाते हैं, परंतु जिस तरह से शिकायतें की गई हैं, उन शिकायतों की जब हमारे द्वारा जांच की गई तो अधिकांश शिकायतें गलत पाई हैं, और विभाग इन दुकानों पर विशेष नजर रख रहा है, और अगर ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से हम लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण कायम करेंगे। वहीं शराब दुकानदारों का कहना है कि वह नियमित समय पर दुकान खोलते हैं और नियमित समय पर बंद करते हैं, और जो सरकारी रेट तय किए गए हैं उसके हिसाब से ही शराब का विक्रय करते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे भी आते हैं जो रेट कम करने का दबाव बनाते हैं, साथ ही फ्री में शराब की बोतल मांगते हैं, लेकिन कम रेट पर शराब नहीं दी जाती है तो वह विवाद करते हैं और आबकारी से हमारी झूठी शिकायतें करते हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि आबकारी के जो नियम है उनके हिसाब से ही दुकानों का संचालन किया जा रहा है। देखिये, कुछ व्हाट्सएप नंबर से मुझे भी कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले से ही आबकारी विभाग के द्वारा भोपाल ज़िले में किसी भी प्रकार से जो भी शिकायत मिल रही है उस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हम ऐसी मदिरा दुकानें जो समय पूर्व खुलती हैं और समय के बाद बंद होती हैं, ऐसी 9 दुकानों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही साथ 12 कंपोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस एक एक दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। तो विभाग के द्वारा निरंतर ऐसी शिकायतों पर जो भी कार्रवाई हुई है वो आबकारी अधिनियम में हम लोग विभागीय प्रकरण बनाते हैं, परंतु जिस तरह से शिकायतें की गई हैं, उन शिकायतों की जब हमारे द्वारा जाँच की गई तो अधिकांश शिकायतें गलत पाई गई, और विभाग इन दुकानों पर विशेष नजर रख रहा है, और अगर ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से हम लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण कायम करेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो MRP जो है उसी पे मतलब शराब बेचते हैं, बेची जाती है, ये रेट है MRP पे, उससे ज़्यादा में नहीं बेचते, और दुकान का जो टाइम है उसी में ज़्यादा समय से दुकान खुलती है और बंद होती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी कुछ दिन पहले 2-4 बार कई लोग हैं, आते हैं, अड़ीबाजी करते हैं, शराब दो फ्री या हमें कमीशन दो। अब सर ये सब मेरे हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। एक लोग निर्धारित करते हैं, जो आदेश होता तो अपन दे पाते, नहीं तो नहीं दे पाते, तो अड़ीबाजी करते हैं। कई बार हमने पुलिस वालों से शिकायत भी की है, मौके बोला बताया, और आज उनको लिखित में भी दिया है कि सर आते हैं लोग, अड़ीबाजी करते हैं, धमकी देते हैं कि हम कंप्लेंट करेंगे, मतलब टाउन करेगी, ऐसी धमकियाँ देते हैं। कि हमारी जो दुकान है वो सभी समय पे खुलती है और जो समय पे बंद होती है, मगर और निर्धारित मूल्य पे हम लोग शराब के बेचते हैं। मगर क्या है, कुछ लोग आ जाते हैं कि कम मूल्य पे शराब मांगते हैं, फ्री में शराब मांगते हैं, उनको हम लोग शराब नहीं देते। जो निर्धारित मूल्य शासन ने कर रखा है, उस निर्धारित मूल्य पर हम शराब बेचते हैं, वो निर्धारित मूल्य से कम में शराब मांगते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, हम लोग डिस्काउंट देते नहीं उस विवाद पे। उस बात का वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, जिससे वो इस प्रकार की हरकत ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दुकान के शटर रात को 11:30 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह 8:30 बजे खुलते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं जो मीडिया में बनाई हुई हैं, अभी सोशल मीडिया में चल रही है, इसमें ऐसी चीज में कोई सच्चाई नहीं है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।